नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका आप सभी के साथ एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ अपन समाचार न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, आज हम मलवन ब्लॉक के एक माध्यमिक स्कूल में आए हैं और यहाँ की कम उम्र की लड़कियों से बात करेंगे, जानेंगे उनके सपनों के बारे में, उनके उड़ान के बारे में, वो क्या सोचती है अपने सपनों को लेकर। तो आइए मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। मेरे दादाजी का सपना है कि मैं IPS बनूं, इसीलिए मैं दादाजी के सपने को पूरा करने के लिए IPS बनूंगी। दादाजी ही मुझे पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगी। आइए तो हम नेक्स्ट और बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या विचार है। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूं, कुछ करूं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषु कुमारी है। ऋषु, आप क्या आपके घर में कितनी महिलाएं हैं? दो, तीन थे तो एक का शादी हुआ। तो मिस ऋषु, वो तीनों महिलाएं जो थे सो कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? मम्मी इंटर तक और दीदी अभी ग्रेजुएशन में है। और आप क्या करना चाह रही हैं? आप कहाँ तक पढ़ना चाह रही हैं? आपके क्या सपने हैं? मेरे सपने तो नहीं है, वैसे मेरे पेरेंट्स जहाँ तक सक्षम होंगे मैं वहाँ तक पढ़ सकती हूँ, जहाँ तक पढ़ा सकती हूँ। अच्छा, तो ऋषु क्या आप मुझे बताएंगे कि पढ़ने लिखने से क्या बदलाव आए हैं सामाजिक तौर पे अभी लड़कियों के लिए? पहले के समाज में क्या था कि लड़कियों को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर के काम नहीं करने। लेकिन आजकल पढ़ाई के बाद जो शहर बाजार में तो ज़्यादातर हो गया है कि लड़कियां हर काम कर सकती है, जहां मर्जी वहां जा सकती है। लेकिन गांव में भी अभी कुछ गांव में देखा जाता है तो अभी भी पहले के ज़माने की तरह लोगों का सोच है। अच्छा, आइए तो और लड़कियों से बात करते हैं और जानते हैं उनके सोच और विचार के बारे में। क्या किस तरह का भेदभाव को देखते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? ऐसा क्या करना चाहते हैं? ये भेदभाव तो बहुत सारा होते हैं, लेकिन वो अथी मानसिक तौर पर मेरे ही साथ बहुत गलत हुआ है। सच्ची कहा जाए जो मेरे मम्मी लोग बोलती है जो पढ़ने जाने के लिए और शादी ना हो से कह रही है क्या जो नहीं पढ़ना है, जो पढ़ कर क्या होगा, ये पढ़ कर क्या होगा, अथी पढ़ने से क्या मिलता है, लड़कियों अथी सिर्फ पढ़ लिख कर खाना ही बनाती है। और मेरी मम्मी बोली कि नहीं पढ़ने से कुछ आगे बढ़ सकती है, जो इसको कुछ सपना होगा तो पूरा कर सकती है। तो मेरी दादी ने बोली जो कुछ नहीं होता ये सब। हम यहाँ के शिक्षक से क्वेश्चन पूछते हैं और जानते हैं कि सर का क्या कहना है इस बारे में। तो सर, आपको पता होगा कि पहले आज से कुछ साल पहले लड़कियों की संख्या स्कूल में काफी कम थी, लेकिन जब से ये साइकिल योजना पोशाक योजना शुरू हुई है तब से लड़कियों की संख्या भी बढ़ने लगी। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो सरकार योजना चलाई जा रही है सारे विद्यालयों में, बिहार के सभी विद्यालयों में बहुत सराहनीय है, खास करके लड़कियों के लिए जो योजना है ये समझिए कि भगवान के रूप में वो कायम हुआ है। जैसे कि बच्चे विद्यालय से दूर नहीं पा रहे थे, वो बच्चे काफ़ी दूर होने के कारण स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, साइकिल योजना से बच्चे जो भी बच्चियां हैं ये स्कूल मतलब हर्षोल्लास के साथ स्कूल विद्यालय जा रही है। उस जो उपस्थिति दर है वो काफ़ी मतलब पहले के अनुपात में उसकी संख्या बढ़ी है। और सरकार का जो भी लाभकारी योजना है, छात्रवृत्ति है, पोशाक योजना है, ये बच्चे का जो उपस्थिति दर है ये काफ़ी हद तक
बहुत सुधार हुआ है और बच्चे का जो भविष्य है वो पढ़ाई के प्रति बहुत सुनिश्चित किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से। हाँ, पुरुषों का नजरिया तो बदला है। आज ये समाज में हमारे बदलाव हो रहे हैं, लड़कियाँ विद्यालय जा रही हैं, खुल करके ऑफिस में काम कर रही हैं, अन्य जगहों पर काम कर रही हैं, खुल करके काम कर रही हैं, यानी कि अपने परिवार से निकल करके अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, पढ़ाई के क्षेत्र को, बिजनेस के क्षेत्र को, नौकरी के क्षेत्र को, जैसा कि सर बाहर निकल के लड़कियाँ काम कर रही हैं ऐसा होना भी चाहिए। जब तक हमारी महिला या लड़की या बच्चियाँ जब तक नहीं पढ़ेगी तब तक हमारा समाज भविष्य बढ़ने वाला नहीं। सिर्फ पुरुष के पढ़ने से, पुरुष के विकास होने से, पुरुष के पढ़ने से देश का विकास नहीं होगा, घर का विकास नहीं होगा, हमारे समाज का विकास नहीं होगा। कदम से कदम मिलाकर हमारे बच्चे लड़कियाँ औरतें भी चले तो ज़्यादा हमारा समाज भविष्य उत्साहन होगा। और मेरा मानना है कि सभी महिलाओं के प्रति एक अच्छा सा व्यवहार होना चाहिए, जैसे कि हम घर में अपने बच्चे को मानते हैं, मानते हैं जैसे रिश्ते नाते हैं, इसी तरह से सब करना चाहिए। और यदि भयमुक्त होकर लड़कियाँ जो आए दिन हम देखते हैं तरफ घटनाएँ होती रहती हैं, उससे यदि उस भय से हमारे बेटी और गाँव में लड़कियाँ औरतें यदि मुक्त हो जाए भारत जो है और भी आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपन सुपर चैनल चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ मुजफ्फरपुर जिले के सुजफ्फरपुर पंचायत में। यहाँ की लड़कियों से हम बात करेंगे और जानेंगे सपने और रोजगार के बारे में। आइए अब बात करते हैं। प्रियंका, आप मुझे बताएंगे कि एक व्यक्ति के लिए शिक्षा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है शिक्षा। बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं वो जाए तो कुछ देखकर समझा सकता है उसके बारे में, और छोटे बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उसको समझा सकते हैं बड़े होने के नाते। और समाज में भी बहुत सारे बदलाव आए, घर में भी आए, जैसे आदमी लोग घर में औरत पर अत्याचार करते हैं, तो पढ़ने लिखने के वो समझदार होने की वजह से ये सब नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? तो प्रवीण जी, आपका क्या सपना है? हमको सपना वीडियो बनना है। तो आपका वीडियो बनने के बाद पहला काम क्या होगा? हम पहले सभी स्कूलों में हम जाके देखेंगे पहले कौन कैसे पढ़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक प्रति। आपका पहला काम शिक्षा के प्रति होगा। अच्छा, तो प्रियंका आप मुझे बताएंगे कि पढ़ने लिखने से सामाजिक तौर पर क्या बदलाव आए हैं? बहुत सारे बदलाव आए हैं। पढ़ाई लिखाई के बदौलत ही ना आप लोग अभी यहाँ हो। पहले देखते थे लड़कियाँ स्कूल के या घर के बाहर नहीं निकलती थी। सयोनी, आपका सपना क्या है? मेरा सपना डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? क्यों डॉक्टर क्यों बनना है आपको? मेरे आसपास में जो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत दूर दूर डॉक्टर का अच्छी क्लिनिक है, इसीलिए आदमी सब बीमार पड़ के डेट कर जाते हैं, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या बन आप क्या बनना चाहती हैं बाबू? मैं आई सुनना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए शिक्षा कितना ज़रूरी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है क्योंकि आगे की पीढ़ी शिक्षा से ही चलती है। लड़की को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले लड़की को शिक्षा नहीं दी जाती थी जिससे उससे बहुत परेशानी होती थी, लेकिन आज सरकार हमारा लड़कियों पे ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है कि लड़की को भी आगे बढ़ना चाहिए। तन्नू, क्या आप मुझे बताएंगे कि सामाजिक तौर पर महिलाओं से या फिर लड़कियों के साथ किस तरह के भेदभाव किए जा रहे हैं? कोई आपको ऐसी घटना याद है जिसका आप मेरे सामने जिक्र करना चाहती हैं? मेरे क्लास में फिर करिश्मा थी जिसके शादी 14 वर्ष में ही हो गई, वह बनना चाहती थी लेकिन उसके मम्मी पापा ने कहा नहीं,
गांव में अक्सर जो बूढ़ी दादी होती है वो कहती है लड़कों से ज़्यादा बात मत करो और घर में रहो, बाहर घूमने का कोई मतलब नहीं लड़का को घूमने। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने अभी देखा कि जो लड़कियां पहले अपने भाव को झेलती थी सहती थी, आज वो चुप नहीं रह रही है। जो लड़कियां अपने ऊपर हो रहे भेदभाव को महसूस करती है वो आज बेझिझक बात कर रही है, बोल रही है। इसी के साथ मैं प्रियंका आप सभी से इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले विद्यालय में अगले। धन्यवाद।